नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 30 फीट बाई 60 फीट के हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2D है और यहाँ पे आप 3D देख पा रहे हैं। दोनों आप तस्वीरें एक साथ देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, अगर मैं फ्रंट की बात करूँ वो 30 फीट है, अगर लेंथ की बात करूँ ये 60 फीट है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से, 60 फीट और ये 30 फीट यहाँ पे है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें बिल्कुल एंट्रेंस की, तो यहाँ पे आपका मेन गेट है जो 9 फीट का हमने छोड़ा है। यहाँ पे आप कार पार्किंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, 19 फीट 8 इंचेस बाई 12 फीट 10 इंचेस का काफी बड़ा एरिया है। इधर की अगर बात करूं तो 6 फीट 2 इंच का हमने यहाँ पे लॉन छोड़ा है, वाइड लॉन, और यहाँ पे हमने 3 फीट 3 फीट वाइड आपका वाइड एरिया हमने यहाँ पे यहाँ तक छोड़ा है। अगर आप 3D में देखेंगे इस एरिया को, तो यहाँ से तो आपका ओपन एरिया और यहाँ पे आपका लॉन वाला एरिया है, ताकि यहाँ से हम किचन की वेंट और जो स्टेयर का पार्ट है, मंदिर वगैरह का पार्ट है, वहां पे हम इजिली एक ओपनिंग यहाँ पे दिखा पाए। क्लियर? उसके बाद है, तो यहाँ पे जैसी एंट्री करते हो, यहाँ पे जैसी एंट्री करोगे, एक एंट्री आपकी यहाँ से गिवन है जो आपका मेन घर के अंदर एंट्री है, और एक एंट्री आप ड्राइंग रूम के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे भी देख पाएंगे आप, एक एंट्री यहाँ पे है और एक एंट्री यहाँ से है। तो ये आपका ड्राइंग रूम है, 12 फीट बाई 12 फीट का ड्राइंग रूम है। काफी अच्छा स्पेस है ड्राइंग रूम का, जिसमें गेस्ट रूम भी आप यूज कर सकते हैं, बेड लगा सकते हैं, सोफे वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, और जो भी गेस्ट आता है बाहर के बाहर आपको इसमें यहाँ पे बिठा सकते हो, और बाहर वो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर के बाहर आप यहाँ से उन्हें भेज सकते हैं। एक एंट्री घर के अंदर ड्राइंग रूम के थ्रू भी दी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3D में भी आप देखेंगे इस तरीके से ड्राइंग रूम के थ्रू भी आपकी एंट्री है। जैसे यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे स्टेयर केस है जो हमने घर के अंदर से हमने स्टेयर केस लगाई है, और यहाँ पे वॉशरूम हमने यूज किया 5 फीट 7 फीट 5 इंचेस का। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपका वॉशरूम है, ये आपका स्टेयर केस यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे आप गेट भी लगा सकते हैं अंदर की एंट्री के लिए, या फिर ओपन भी छोड़ सकते हैं, या फिर और कोई डिजाइनिंग आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। ये एरिया भी आप काफी डिजाइनिंग वे में आप यूज कर सकते हो। इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी डिजाइनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेयर के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे हमने विंडो लगाई है, काफी अच्छा एक लुक आएगा यहाँ पे। हम जैसे ही एंट्री करेंगे, वो एंट्री हमारी होगी डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया जो है आपका 7 फीट 6 इंचेस बाई 13 फीट का, ये 7 फीट 6 इंचेस है और ये आपका 13 फीट है, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका डाइनिंग एरिया है। यहीं से आपका एक बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो 10 फीट बाई 13 फीट का है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये एक बेडरूम है, विंडो लगाई गई है बाहर इस तरीके से 6 फीट की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप कंप्लीट अलमीरा डिजाइन कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। यहां से आपके दो बेडरूम है, एक ये बेडरूम एक ये बेडरूम, सेम आपके डायमेंशन है 14 फीट बाई 12 फीट के आपके दोनों बेडरूम है। तो आप देखेंगे दोनों के जो डोर्स हैं डाइनिंग रूम से हैं, और इस तरीके से आप यहां पे बेडरूम देख सकते हैं। दोनों के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है 7 फीट बाई 5 फीट का, दोनों के साथ हमने अटैच दिया है। ये इसके साथ अटैच है और इसके ओपनिंग हमने यहाँ पे दी है, ताकि हम यहाँ से निकल के इसको यूज कर पाए। और ये एरिया जो हमने दिया है, यहाँ पे आप वेंटिलेशन लगा सकते हो, ओपन टू स्काई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हो, कपड़े वगैरह अगर आपको धोने हैं। तो काफी एरिया है, 13 फीट 10 इंचेस बाई 5 फीट का आपका एरिया है, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। और टॉयलेट की दोनों वेंट जो यहाँ पे लगेगी, तो वेंटिलेटर आपके यहाँ पे दोनों लग जाएंगे जो आपकी वेंट लगेगी। तो इस तरीके से इस घर को डिजाइन किया गया है। आप 3D में भी बड़ा इजिली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका 3D बनेगा, और एक आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ किस तरीके से मेरा घर दिखाई देगा। 3D का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से मेरा घर यहाँ पे दिखाई देगा। तो डाइनिंग के साथ ही हमने एक पूजा रूम लिया है 7 फीट 4 इंच बाई 4 फीट का, और साथ में हमने किचन यहाँ पे लिया 7 फीट बाई 8 फीट 8 इंचेस की। तो काफी अच्छा स्पेस आपका किचन को और पूजा घर को यहाँ पे मिल जाता है। पूजा घर को ओपन छोड़ सकते हो, ओपन ही छोड़ेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप कंप्लीट जो भी आपके मंदिर वगैरह वो डिजाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया, ये आपका बेडरूम, एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये, स्टेयर्स, और यहाँ पे आपका ओपन एरिया, यहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हो। एक विंडो हमने जो बेडरूम की है यहाँ पे भी प्रोवाइड की है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है। क्लियर? तो ऐसे करके आप पूरे घर को डिजाइन कर सकते हैं। ये था 30 फीट बाई 60 फीट का एरिया। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज विदाउट चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों।